डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर आज जम्बा रामगढ़ तहसील के मुंडला गांव के अंबेडकर पीठ पर शाम 4 बजे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजे सहित कई मंत्रियों ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने अपने करीब 20 मिनट के संबोधन में एक भी बार विपक्ष पर हमला नहीं बोला। प्रदेश बीजेपी आज से 24 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर कार्यक्रम चलाएगी। ग्रामोदय से भारत उदय के नाम से चलने वाले इस कार्यक्रम के जरिए गांव को विकास की धारा से जोड़ने की रूपरेखा बनाई जाएगी। आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत करेंगे। इसमें कोटा की कृषि उपज मंडी का भी चयन। आज शाम 6 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज केंद्रीय विधि मंत्री सदानंद गौड़ा जयपुर पहुंचेंगे। यहां गौड़ा इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान यूनियन लॉ सेक्रेटरी राज्यपाल कल्याण सिंह, सांसद रामचरण बोहरा और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद रहेंगे। गैर सरकारी स्कूलों को अब मान्यता के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। स्कूलों को मान्यता के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आज सुबह 11 बजे शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी शिक्षा संकुल में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सॉफ्टवेयर का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के 30,000 करोड़ के पेयजल प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार अब मदद को तैयार है। केंद्र विदेशी फंडिंग एजेंसियों से पैसा दिलाने में मदद करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने जानकारी दी। जैसलमेर दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि अगर काम करना है तो प्राइवेट सेक्टर है और अगर सिर्फ रोटी खानी है तो आराम से रहना है तो सरकारी नौकरी है। उन्होंने कहा कि अब वो समय नहीं कि सरकारी नौकरी के पीछे भागा जाए। जयपुर दौरे पर आए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि हम दलित के हक की बात कर रहे हैं, सभी को साथ पढ़ने और पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी दलितों को अलग बैठाकर पढ़ाने की सोच रखती है। डेल्टा मेघवाल मामले में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं पूरी जांच से संतुष्ट हूं। उन्होंने पूरे मामले को खुदकुशी का बताते हुए कहा कि सीबीआई को हरिश्चंद्र नहीं, कहां ऐसा होता तो सोहराबुद्दीन मामले में मुझे सजा नहीं होती। जयपुर में मंत्री दरबार के जरिए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई और मंत्रियों ने उसका हाथों हाथ समाधान किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने जयपुर नगर निगम में सांगानेर जोन में कार्यरत डिप्टी कमिश्नर रमाकांत अग्रवाल को एपीओ करने के आदेश दिए। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की घोषणा के बाद जिला और मंडल कार्यकारिणी का गठन होगा। अगले एक हफ्ते में सभी जिलाध्यक्षों को कार्यकारिणी गठन करने के निर्देश। टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल के जनसुनवाई दरबार में जिले भर से फरियादी पहुंची, साथ ही जिले भर में अधिकारियों ने जनसुनवाई भी की। शहरी इलाकों में भूखंडधारियों को फ्री होल्ड का अधिकार देने के नगरीय विकास विभाग के प्रस्ताव की अधिसूचना को विधि विभाग ने मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद जल्द ही यूडीएच इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। कोटा में जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। कोटा शहर में नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए दिल्ली में नगर विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने मंत्रालय में बैठक बुलाई। निजी स्कूलों में आरटीई के जरिए प्रवेश मुश्किल हुआ। दाखिले के लिए बीपीएल कार्ड अनिवार्य होगा। करीब 3 लाख से ज्यादा बच्चे इससे प्रभावित होंगे। अलवर में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जल्द पूरी कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने द्वितीय श्रेणी के 9 नर्सिंग कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए हरी झंडी दी। बूंदी में नगरीय विकास कर जमा नहीं होने पर नगर परिषद प्रशासन ने व्यावसायिक भवनों को सीज करने की चेतावनी दी और नोटिस चस्पा किया। 2 जगहों से कर जमा नहीं होने से नगर परिषद ने एक बैंक और पेट्रोल पंप को सीज कर दिया। अगर आप रोडवेज बस में अकेले सफर कर रहे हैं तो सावधान होकर जाइए, क्योंकि बीच सफर में रोडवेज प्रबंधन की मदद नहीं मिलेगी। हालांकि बसों में आपको हेल्पलाइन नंबर जरूर दिखाई देंगे, लेकिन ये किसी काम के नहीं। अलवर नगर परिषद की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को खुले में शौच प्रथा से मुक्त कराने की मुहिम नाकाम। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में हर घर में शौचालय बनवाने पर जोर दे रही है, वहीं निर्धन परिवारों के लिए शहरी क्षेत्र में दी जा रही सहायता राशि ऊंट के मुंह में जीरा।
बारकरामगढ़ की पहाड़ियों के बीच स्थित भंड देवरा का अस्तित्व सरकारी उदासीनता के चलते संकट में, रखरखाव के अभाव में और पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते मंदिर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील। जोधपुर में नगर निगम के फैसले से खफा मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर, हालांकि इन कर्मचारियों का साथ इनके लोग नहीं दे रहे। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल से खुद को अलग कर लिया। धौलपुर और सैपऊ बिजली सब डिवीजन पर अघोषित कटौती के खिलाफ लोगों ने हंगामा और नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि गर्मी बढ़ने के साथ बिजली कटौती मुसीबत बन चुकी है। जोधपुर की बात करेंगे, जहां जेएनयू में एक छात्र को विदेश में रहते शोधार्थी पीएचडी करवा दी गई। शारीरिक शिक्षा विभाग के सुपरवाइजर डॉक्टर अमन सिंह ने अपने रिसर्च स्कॉलर नंदपुरी गोस्वामी को पीएचडी करवा दी, जबकि छात्र विदेश में नौकरी कर रहा था। भीलवाड़ा में एक कंटेनर में भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग से पूरा कंटेनर जल गया। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे। पाली में मौजूद महाराज उम्मीद मिल्स के कॉटन गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी। आग लगने की वजह से यहां पड़ी हजारों गांठें जलकर राख। भीलवाड़ा के दिगोद थाना क्षेत्र में सोपुरा गांव में रतनचूत के बीज खाने से चार बच्चों की हालत बिगड़ी। इन्हें पहले दिगोद और उसके बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं सभी बच्चों की हालत ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया। कोटा के किशोर सागर तालाब के पास एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से दो लोग झुलसे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एमबीएस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। कहा जा रहा है कि दिलीप और उसकी पत्नी झोपड़ी में सो रहे थे, तभी घर के अंदर जल रहे दिए से आग लग गई। जयपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस की दलित रैली में भरतपुर से भाग लेने के लिए जयपुर जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भरी जीप को हाईवे पर बस ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे जीप खाई में जा गिरी। हादसे में करीब एक दर्जन कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ टाउन के भद्रकाली मंदिर जा रहे एक श्रद्धालु की सड़क दुर्घटना में मौत। पुलिस के मुताबिक चंदन कुमार भद्रकाली मंदिर में टूक लगाने के लिए जा रहा था, इसी दौरान भद्रकाली रोड पर अचानक सामने पशु आ जाने से उसकी बाइक पशु से टकरा गई और हादसा हुआ। सीकर में माझीपुरा गांव में दो बाइकों की आपस में टक्कर, घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को पलसाना अस्पताल पहुंचाया, घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर रेफर किया। बाड़मेर के किलनूर मार्ग पर एक पिकअप पलटने से एक व्यक्ति की मौत, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बाड़मेर लाया गया। घायलों की हालत खराब होने के चलते उन्हें जोधपुर रेफर किया। उदयपुर के खेरवाड़ा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। यहां ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में लिया, एक किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा। मौका देख ट्रक चालक फरार। अलवर में भिवाड़ी के पास सामान से भरा ट्रक टोल बूथ पर पलट गया। हादसे के चलते सड़क पर लंबा जाम लगा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बूंदी में चित्तौड़ रोड और टनल के बीच हुए एक हादसे में 10 लोग घायल, घायलों में 8 महिलाएं भी शामिल। घायलों को बूंदी के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, घायलों में 5 की हालत गंभीर। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री उपेंद्र चौहान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजन उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चौहान को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर 3 जगह चोट के निशान। डीडवाना में प्रदेश की हर सुरक्षा एजेंसी आनंद पाल को तलाश रही है। प्रदेश के चप्पे चप्पे की खास छान चुकी पुलिस के हाथ आज भी खाली। आनंद पाल और उसके दो साथी श्रीवल्लभ और सुभाष मून की तलाशी के लिए पुलिस द्वारा जारी किए गए वारंट की तारीख भी खत्म, लेकिन आनंद पाल का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं। इधर डीडवाना में आनंद पाल गिरोह के भाई मनजीत सिंह सहित दातार सिंह, संजय पांडे, परवेज बालिया, सूरज गुर्जर को एसीजेएम कोर्ट में अलग अलग मामलों में पेश किया गया। मुख्य मामला जीवन राम गोदारा हत्याकांड का, सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। झुंझुनू एसडीएम सुनीता चौधरी चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं। शहर के भानीनगर जमीन के मामले में दिए गए उनके फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। एसीबी के एएसपी रामप्रकाश शर्मा अचानक टीम के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे और जांच शुरू की। टीम ने एसडीएम समेत संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज किए और साथ ही रिकॉर्ड भी जब्त किए।
उदयपुर में नवंबर 2015 में हुई कांस्टेबल प्रमोशन परीक्षा में धांधली को लेकर अब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि इस प्रक्रिया पर परिवादी कांस्टेबल्स ने ऐसी दलील दी है जो इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मामले में कांस्टेबल्स ने बयान देने से भी मना कर दिया। टोंक में एक महिला सरपंच ने अधिकारियों के सामने फरियाद रखी है कि वो अपने ससुर के हाथ की कठपुतली है, यानी कि कागजों में सरपंच है लेकिन सारे काम ससुर कर रहा है। महिला के मुताबिक उसके कई चेक पर दस्तखत के साथ उन्हें भुना लिया गया, यानी कि ससुर का साथ ब्लॉक के अधिकारी भी दे रहे हैं। बीकानेर में कॉलेज छात्रा को आए दिन मनचलों द्वारा छेड़छाड़ के विरोध को लेकर क्षत्रिय समाज, कॉलेज छात्रा और उसके परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक से मिलकर मनचलों को गिरफ्तार करने की मांग की। बीएसएफ ने भारतीय सीमा में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। नागरिक ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम गफूर भट्टी है और वो पाकिस्तान के बहावल नगर का रहने वाला है। बीएसएफ के आला अधिकारी इस नागरिक से कड़ाई से पूछताछ में जुटे। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर से सेना के चार अधिकारियों और एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके पास से रिश्वत की 60,000 रुपए की रकम भी बरामद। इस कार्रवाई के लिए सीबीआई की टीम चार दिनों तक श्रीगंगानगर में जमी रही। झालावाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाधार में 5 विषय पेपर आउट होने के मामले में कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच में परीक्षा प्रभारी विमला कालरा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नंदलाल को निलंबित किया। साथ ही प्रिंसिपल की जांच रिपोर्ट तैयार कर बीकानेर कार्रवाई के लिए भेज दी गई। इधर डूंगरपुर में कोतवाली थाना पुलिस और चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी निर्माण कार्य में लगे 7 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। कोतवाली थाना पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए गेपसागर झील पर निर्माण स्थल से 5 बच्चियों और 2 बच्चों को आजाद करवाया। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। जहाजपुर थाना इलाके के रहने वाले एक पिता आजकल काफी परेशान है। परेशानी की वजह है उसी का साला। पिता का आरोप है कि उसका साला उसकी नाबालिग बेटी को बेच देना चाहता है। पीड़ित राम कुमार ने थाने में मुकदमा भी दिया। चौमू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरा ट्रक पकड़ा, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह ट्रक हिसार से इंदौर जा रहा था। इसी दौरान दौलतपुरा टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान ट्रक में अवैध शराब के कार्टन भरे मिले। इनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए। अलवर के मालेखेड़ा थाना इलाके में अपराधी बेखौफ। गलसाड़ा गांव में सरपंच के घर सहित 5 घरों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने 5 घरों से लाखों की नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जोधपुर जेल पर बंदी के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी में आरोपी एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं। इसी बीच बंदी के परिजनों ने जेल में हत्या होने का अंदेशा जताया। बीकानेर में पिछले कई दिनों से लापता चल रहे युवक का शव जवाहर नगर के कुंड में मिला। नया शहर थाने में रोहित व्यास के नाम के युवक की लापता की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी। जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत कमिश्नरेट से कर दी। सभी हेल्पलाइन नंबर 7300363636 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस हेल्पलाइन की प्रोफाइल का नाम CPJPR दिया गया है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन। आज मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही कर रहे हैं मां महागौरी की पूजा अर्चना। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व। ख्वाजा के 804वें उर्स की 5 रजब आज छठी शरीफ के खास फातिहा में शरीक होंगे देश विदेश के जायरीन। उर्स की आखिरी महफिल का दौर भी होगा शुरू। अजमेर में आज गरीब ख्वाजा नवाज के दर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चादर पेश की गई। ये चादर पीसीसी चीफ सचिन पायलट और कई कांग्रेसी नेता यहां लेकर पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर चूरू और रतनगढ़ में मूर्ति अनावरण समारोह आयोजित। चूरू के वार्ड नंबर 36 में कबीर पाठशाला के पास हुए मूर्ति अनावरण समारोह में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शिरकत की। पलौदी के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के मैदान में आरएसएस और विहिप के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर समरसता संगम कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में पलौदी इलाके के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और देश के संविधान निर्माता के जीवन पर परिचर्चा की।
न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा ने बारा न्यायालय परिसर में निर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन और विश्राम गृह का लोकार्पण किया। वहीं अभिभाषक परिषद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। प्रतापगढ़ शहर को पेयजल किल्लत से बाहर लाने के लिए नगर परिषद ने अनूठी कवायद शुरू की। अब हर कॉलोनी में बड़ी टंकियां बनाई जाएंगी और रोज उनमें पानी सप्लाई कर लोगों को राहत मिलेगी। अलवर में आरपीएससी से चयनित थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग आदिनाथ जैन स्कूल में की गई। इसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे गए। बीकानेर से आए संयुक्त निदेशक अरुण कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मिस राजस्थान 2016 का आयोजन होने जा रहा है। इसे 20 अप्रैल से 6 मई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। मिस राजस्थान के आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि इस बार मिस राजस्थान के ऑडिशन 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत मई में होगी। बीकानेर का एक युवक 14 जनवरी को हुए हादसे के बाद बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर। 14 जनवरी को काम करते वक्त बिजली विभाग कार्यालय में से किसी ने बिजली की सप्लाई चालू कर दी। इससे आसाराम पूरी तरह से झुलस गया और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद बिजली विभाग और ठेकेदार की तरफ से पीड़ित की किसी भी तरह से मदद नहीं की गई। दौसा के बनियाना में किसान मेले का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित मेले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश जन जन तक पहुंचाने के मकसद से संत विजय महाराज का विजय जागरूकता रथ भरतपुर पहुंचा। यहां कलेक्टर रवि जैन ने रथ को हरी झंडी दिखाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर 2004 से हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई इस मुहिम में हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। मोदी यूनिवर्सिटी की ओर से राजधानी जयपुर में 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक उत्सर्जन 2016 प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रदर्शनी में आर्ट क्राफ्ट और डिजाइन के क्षेत्र में रचनात्मकता और कला को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइन से जुड़ी करीब 30 छात्राओं की कला को प्रदर्शित किया जाएगा। जालौर के सिवाड़ा पातालेश्वर शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज आखिरी दिन। सभी सदस्य एकजुट होकर प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ विश्व धरोहर में शामिल होने की कोशिशों में जुटे। बारा में रामगढ़ के पास जंगल की पहाड़ियों पर विराजमान रामगढ़ माता के नाम से प्रसिद्ध माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के मौके पर देशभर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धालु 700 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। कोटा में ग्रामीण भारत से जुड़ा खुशहाली का पर्व वैशाखी पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में कोटा के बड़गांव स्थित अगमगढ़ साहिब पहुंचे। इस मौके पर कोटा के बड़गांव गुरुद्वारे पर विशेष आयोजन हुए। अलवर में भी वैशाखी का पर्व पूरे जोश के साथ मनाया गया। इस दौरान काशीराम सर्किल पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की शोभा यात्रा को सभापति अशोक खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भगत सिंह सर्किल पहुंचने पर माल्यार्पण हुआ। राजस्थान रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यातायात राकेश राजौरिया डूंगरपुर जिला पहुंचे। यहां उन्होंने डूंगरपुर रोडवेज बस स्टैंड और डिपो का निरीक्षण कर संचालन में आ रही परेशानियों को जाना। और अब रुख करेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों का। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में आज अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। पीएम इस मौके पर ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में 60 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की संभावना वाले 200 प्रोजेक्ट को शोकेस किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पूर्वी भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके कल शाम करीब 7:30 बजे आए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 थी। महाराष्ट्र में पड़ रहे सूखे के बीच आईपीएल टूर्नामेंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अप्रैल के बाद आईपीएल के सभी मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने के आदेश दिए। यानी कि अब अप्रैल के बाद के 13 मैच महाराष्ट्र के बाहर होंगे।
मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में उग्रवादी संगठन एनएससीएन के और जेडयूएफ के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर अमित देशवाल शहीद हो गए। शहीद मेजर अमित देशवाल का पार्थिव शरीर आज हरियाणा के झज्जर स्थित उनके पैतृक निवास पर लाया जाएगा। सेना ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अपने जवान पर छेड़खानी के आरोपों को खारिज किया। सेना के एक वीडियो जारी करते हुए छेड़खानी के शिकार लड़कियां और स्थानीय लड़कों पर आरोप लगा रही हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई के लिए तैयार। याचिका में इस मामले को लेकर मायावती के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। हालांकि केंद्र सरकार ने मायावती के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया। पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी कृपाल सिंह की मौत के मामले में विदेश मंत्रालय ने जांच का भरोसा दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कृपाल का शव भारत लाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद उनकी मौत की वजह का पता लगेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर श्रीनगर एनआईटी के गैर कश्मीरी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि एनआईटी श्रीनगर में पढ़ाई का माहौल नहीं, इसलिए उसे शिफ्ट किया जाए। एनआईटी के छात्रों ने पीएम कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर अपनी बात रखी। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना खातून की कल दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। 2 अप्रैल की रात तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना पर फायरिंग की गई थी, जिसमें तंजील अहमद की मौके पर ही मौत हो गई थी। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्पेन पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक संदिग्ध फ्रेंच नागरिक को गिरफ्तार किया। इस पर आरोप है कि इसी ने जनवरी 2015 में पेरिस में सुपरमार्केट में हुए हमले में हमलावर को हथियार मुहैया कराए। हमले में 5 लोग मारे गए थे। ग्रीस और मैसेडोनिया के बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। बॉर्डर पर शरणार्थियों ने फेंसिंग की तार को तोड़ दिया और नारेबाजी की। इसके बाद मैसेडोनिया पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। आईएसआईएस ने एक फिलिस्तीनी कैंप पर कब्जा करने का वीडियो जारी किया। पहले यह कैंप अल नुसर नाम के एक संगठन के कब्जे में था। वीडियो में आईएसआईएस के लड़ाकों को कैंप पर कब्जा करते दिखाया गया। इराक के अनवर में हिट प्रांत पर कब्जे को लेकर इराकी सेना और आईएसआईएस के बीच लड़ाई जारी। इस क्षेत्र पर आईएसआईएस का कब्जा और इस जगह को इराकी सेना हासिल करना चाहती है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी न्यूज चैनल ने मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें जारी की है। यह तस्वीरें रात के समय की है। इस ड्रिल में मिसाइलों को फायर करते हुए दिखाया गया। चीन के गुआंगडोंग में निर्माणाधीन फैक्ट्री में क्रेन पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल, इनमें से 4 की हालत गंभीर। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों के 50 साल पूरे। इस मौके पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में जेम्स बॉन्ड 007 द एग्जीबिशन नाम से प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बॉन्ड की फिल्मों के ओरिजिनल कॉस्ट्यूम्स और क्लिप्स रखे गए। थाईलैंड में सूखे की वजह से हर साल होने वाले वाटर फेस्टिवल पर रोक लगा दी गई है। पिछले 2 दशक में थाईलैंड में अभी तक का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने लोगों से पानी बचाने की अपील की। और अब खबरें कारोबार जगत की। विजय माल्या का पासपोर्ट हो सकता है जब्त। ईडी ने कोर्ट से लगाई गुहार। बार बार समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए माल्या। सबसे पहले जी मीडिया ने दिखाई थी खबर। पनामा लीक्स मामले में आयकर विभाग ने शुरू की कार्रवाई। 350 लोगों को एक हफ्ते में भेजे जाएंगे नोटिस। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार ने 70 दवाओं के दाम घटाने के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। कैंसर के इंजेक्शन की कीमत भी तय। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी को भी मंजूर। ल्यूपिन के ल्यूपिजेसिन इंजेक्शन पर विवाद। नारकोटिक्स विभाग कर रहा है जांच। इंजेक्शन में सीमा से ज्यादा नशे की मात्रा। सी मीडिया की एक्सक्लूसिव खबर। अच्छे मॉनसून अनुमान और बेहतर आईआईपी आंकड़ों की वजह से बाजार में तेजी। सेंसेक्स 481 और निफ्टी 141 अंक चढ़ा। मेटल बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में जोरदार तेजी।
और अब खबरें मनोरंजन जगत से। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान के टीजर ने न सिर्फ दर्शकों को हैरान कर दिया बल्कि बॉलीवुड में भी इस टीजर की काफी तारीफ हो रही है। सुल्तान ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। फिल्म को मिल रही पॉपुलैरिटी को देखते हुए शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रईस की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। पद्मश्री प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार अपने एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अपने करियर के शुरुआती दौर में प्रियंका ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन क्रिस इवान की फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज देंगे। वरुण के मुताबिक सुपर हीरो फिल्म के लिए वॉइस ओवर करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बार बार देखो की शूटिंग खत्म हो चुकी है। इस फिल्म को फिल्म मेकर नित्या मेहरा डायरेक्ट कर रही हैं। हाल ही में शाहिद कपूर ने अपनी फिल्म उड़ता पंजाब में अपना लुक फैंस के लिए शेयर किया है। इस फिल्म में शाहिद ऐसे रॉकस्टार का रोल निभा रहे हैं जिसके तार ड्रग्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। साल 1983 में आई श्रीदेवी स्टारर फिल्म सदमा का हॉलीवुड रीमेक बनने जा रहा है। खबरों में आने तो इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया जा रहा है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वो व्हाइट हाउस में होने जा रहे एनुअल करेस्पॉन्डेंट डिनर का हिस्सा शायद ही बन पाए। प्रियंका फिलहाल टीवी सीरीज क्वांटिको और हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की शूटिंग में बिजी।